तो गाइज वेलकम टू द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन ऑफ इंडोनेशिया बाली एंड नुसा पेनिंसुला। ये देखो, 4 साल पहले जब मैं माउंटेन ट्रेकर वरुण भाई का वीडियो देख रहा था, नीचे जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है और बाकी मैं आपको नीचे से ही दिखाऊंगा। ओके, ये देखो मंकी ने भी आतंक मचा रखा है। टिकट लिया हूँ, इन्होंने मुझे 1 वीक का बोला 1,50,000, बट मैंने एक रिटर्न लिया तो मैंने नेगोशिएट करके कुछ कुछ होता है। 600 रुपये में इतना मस्त जगह भाई, सच में बहुत सस्ता है इंडोनेशिया। तो गाइस स्वागत है आपका सबका फिर से इस ब्लॉग में। अभी हम नुसा पेनिंसुला में और हम जो है 2 घंटा पहले पहुँचे हैं, लगभग 2 बज रहे हैं और अभी हम निकल गए हैं यहाँ का जो सबसे फेमस लोकेशन है क्लिंग क्लिंग बीच, उसी को देखने के लिए। ये स्कूटी है जो हमने रेंट पर लिया है और इसके बारे में आप पूरा डिटेल जो है सारा पिछला ब्लॉग में देख चुके होंगे। और इस जगह पर हम रह रहे हैं, इसका नाम है बनाना हाउस। तो निकलते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ से कितना दूर है। गूगल जो है हमें 12 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 28 मिनट्स की राइड। तो चलिए फटाफट निकलते हैं, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं आपको। तो गैस और अभी 4 किलोमीटर है जिस जगह पे हम जा रहे हैं क्लिंग क्लिंग बीच, और बीच में आपको रोके दिखाने के लिए कि देखो आइलैंड कैसा दिखता है नुसा पेनिंसुला। ये जो पेनिंसुला आइलैंड है ये बड़ा वाला आइलैंड पेनिंसुला है और नुसा आइलैंड जो है छोटा आइलैंड है जो इसके नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में। अभी हम रास्ते में बहुत सारे गाँव से गुजरते हुए आए, बनाना का पेड़, नारियल का पेड़, खेत खलिहान सब कुछ है यहाँ पर, जैसे एक रिमोट गाँव में होता है उसी तरह से। रास्ता जो है थोड़ा ऊपर नीचे है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं सीधा चलता हूं और आपको जो है बीच जाकर वहां का व्यू दिखाता हूं। तो हम पहुंच चुके हैं क्लिंग क्लिंग बीच। तो यहां देखो कितनी गाड़ियां पार्क है, ड्राइविंग जो है काफ़ी सोच समझ कर थोड़ा सा आराम से करना है क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, बहुत सारा टर्निंग है और जो स्कूटर है ना वो फटाक से ऐसे लेफ्ट राइट टर्न नहीं होता, वो थोड़ा टाइट किया हुआ है उनका हैंडल, इन्होंने लगता है जानबूझ कर किया है कि आदमी ज़्यादा लेफ्ट राइट ना मारे। यहाँ पार्किंग के लिए मुझे 5,000 पे करने पड़े टोकन, बस उतना ही, बाकी जगह पे जो है 1,000-3,000 होता है, यहाँ पे 5,000 था, बट इतना चलेगा। यहाँ बहुत सारे कैफे हैं, बार भी है, रास्ते में भी है और बहुत सारा टेंपल देखने को मिला, काफ़ी खूबसूरत गांव लगा यहाँ पर मुझे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ भी गाड़ियाँ पार्क है, मैंने पीछे ही पार्क कर लिया यार, यहाँ तक ला सकते थे। ओके कोई बात नहीं, टॉयलेट भी है, 5,000 पे करना पड़ेगा आपको सुसु करने के लिए। बस किधर जाना है पता नहीं, ओके इधर चलते हैं, इधर सब जा रहे हैं। तो मेरे साथ जो लड़की थी दिया, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो यहीं की है, इसी आइलैंड की, यहीं पे कहीं गांव है इनका, उनका साउथ ऑफ द आइलैंड। मैं बोला था उनको आने के लिए लेकिन उनका जॉब रहता है तो वो छुट्टी नहीं ले पाई, नहीं आई। वो आती तो और अच्छा होता, और अच्छे से घूमते और यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को मिलता, तो फिलहाल नहीं है तो हम अकेले घूम रहे हैं। तो चलिए फिर से सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट है, चलते हैं आगे। तो गाइस वेलकम टू द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन ऑफ इंडोनेशिया बाली एंड नुसा पेनिंसुला। ये देखो, ये जो व्यू है ना, ये जो लोकेशन है और ये जो कलर का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ब्राउन वाइट ब्लू ग्रीन डार्क ब्लू वाइट स्काई ब्लू, मतलब गजब का है। मतलब यहाँ अगर आप नहीं आए बाली में तो बहुत बड़ा चीज़ आप मिस कर दोगे। यहाँ रास्ता है नीचे जाने का, वहाँ से सब लोग जाते हैं नीचे, आप देख सकते हो वहाँ। मैं भी कोशिश करूँगा जितना नीचे तक जा सकता हूँ जाऊँ। ये देखो बहुत छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। फिलहाल यहाँ से हम कुछ फोटोग्राफी करते हैं और फिर नीचे जाते हैं।
चार साल पहले जब मैं माउंटेन ट्रेकर वरुण भाई का वीडियो देख रहा था तो मैं उनका ये लोकेशन देखा था, ये ब्लॉग नूसा पनीदा का, और पहली बार नूसा पनीदा के बारे में उनके मुंह से सुना था। और मैंने उनका ब्लॉग देखा था तो उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी जब इंडोनेशिया जाऊँगा तो इस जगह को तो मैं नहीं छोड़ सकता, और ये सच में पैराडाइज है। तो थैंक यू सो मच वरुण भाई, कल आप ब्लॉगर थे, आप हमें जगह दिखा रहे थे, आपकी वजह से हम ये जाने, और आज मैं ट्रैवलर हूँ, ब्लॉगर हूँ, और वही कर रहा हूँ जो आप स्टार्ट किए थे करना। आपने बहुतों को इंस्पायर किया है, मैं उनमें से। तो चलिए नीचे चलते हैं गाइस, देखते हैं कितना दूर जा पाता हूँ मैं। नीचे जाना तो आसान होगा, ऊपर आना मुश्किल होगा। चलिए फिलहाल बहुत सीधा है भाई ये तो। ये देखो मंकी, मेरा हैट लेकर मत भागना भाई आज तुम। साथ साथ चल रहे हैं। ओ भाई, यहाँ का मंदिर ज़्यादा शैतान नहीं लगता, ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ले रहा है यार। वहाँ पे तो उलुवाटू टेम्पल में हैट, खास करके चश्मा। ओ बंदर भाई साहब, थोड़ा बगल हो जाओ। हाँ भाई साहब, मेरा हैट मत लेना तुम। यहाँ से जो है स्टेयर्स ख़त्म, और ये पत्थर जैसा है। यहाँ तक आ चुके हैं, ये देखो कितना ऊपर है बेबी मंकी। ये तो पूरा गैंग बना के रास्ता रोक के बैठे हैं भाई। ये देखो उस जगह से मैंने फोटो लिया था, उधर से घूम कर इधर से आए हैं। यहाँ से तो सीधा नीचे जाना पाताल लोक। देखो कैसा है यहाँ से। ओ भाई साहब, कैमरा अंदर रखता हूँ मैं गाइस, क्योंकि नीचे जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और बाकी मैं आपको नीचे से ही दिखाऊंगा। ओके, ये देखो मंकी ने भी आतंक मचा रखा है। तो मैं यहाँ तक आया हूँ, लगभग कह सकता हूँ 60% 40% और नीचे है, और रास्ता बहुत ही डेंजरस है। तो गाइस मैं यहाँ से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस एडवेंचर के चक्कर में मेरे पैर को कुछ हो जाए, और मुझे कुछ हो जाए और मेरा आगे का जो है पूरा ट्रिप ख़राब हो जाए। बट आपको जितना नज़दीक से हो सकता मैं दिखाना चाहता था, और मैं भी देखना चाहता था। तो ये देखो थोड़ा नज़दीक आने के बाद ऐसा है। ओके, आई एम गोना स्टे, ओके कूल। सो देखो नज़दीक से। तो गाइस हम आ गए हैं ऊपर, हालत ख़राब हो गई मेरी आने में, और आने के साथ ही जूस पिया। एक्चुअली मैं लंच नहीं किया था तो ज़्यादा हालत ख़राब हुई। अगर आप लोग आना तो अच्छे से टाइट होकर खा कर आना, और फिर नीचे जाना तो शायद आप नीचे तक जा पाओगे। लेकिन सच में बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्की है, 5% लोग भी नीचे नहीं जाते हैं। लेकिन जाओ तो शायद ज़्यादा अच्छा क्लीन वाटर और ब्लू बीच जो है आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ, अभी जा रहा हूँ ब्रोकन बीच के पास। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। गुड बाय, टेक केयर।
ये देखो यार, आइलैंडर की लाइफ कितनी सुकून भरी होती होगी ना यहाँ पर। ये भी बहुत ही खूबसूरत एकदम फोटोजेनिक स्पॉट है।